खूपच सुंदररित्या मेघ संजीव फार्म हाऊस सोलापूर मध्ये जे आहे गेल्या वर्षी प्रमाणे यावर्षी सुद्धा जे आहे आपण खूपच सुंदर असे रंगपंचमीचे इव्हेंट साजरे करत आहोत आणि आपल्या भारतीय परंपरेनुसार कोणत्याही कार्यक्रमाची सुरुवात जी आहे देवाला वंदन करून व त्या कार्यक्रमाचे जे मेन घटक असतात मूळ घटक असतात त्यांची पूजा करून केली जाते। तर आजच्या या रंगपंचमी कार्यक्रमाचं सर्वात मेन घटक म्हणजे रंग आहेत, तर त्याच रंगांची पूजा करून। नमस्ते, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका दोस्त बादशाह रियाज पाटिल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ इस साल के सबसे बेहतरीन रंगपंचमी उत्सव में, जो है कलर्स फ्लैश 2024, जो हमेशा की तरह अपने मेघ संजू फार्म हाउस में जो है ऑर्गेनाइज़ किया गया है, जिसके बारे में पहला वीडियो जो है तुम्हें देखे माशाल्लाह बहुत ही शानदार तरीके से, जिस तरीके से पिछले साल जो है हमने रंगपंचमी का फेस्टिवल एंजॉय किया था यहाँ पर फार्म हाउस में, उसी प्रकार से जो है इस साल भी जो है हम लोग रंगपंचमी का फेस्टिवल एंजॉय करने वाले। तो फिर चलो, बहुत मेहनत करके बहुत हैरान होकर जो है भागते हुए चलते हुए गाड़ियों पर बैठते हुए यहाँ तक पहुँचे अपन फार्म हाउस तक, बहुत ही अच्छा रहा सफ़र। अभी देखेंगे बोलते बराबर 10-11 बजे जो है ये इवेंट शुरू होने वाला है, 10-11 बजे जो है पब्लिक धीरे धीरे करके आनी शुरू होगी, तो देखेंगे किस प्रकार से ये पूरा इवेंट होता है, किस प्रकार से यहाँ पर पूरा एंजॉयमेंट होता है कि नहीं। अपन तो रोज़े में ही, फिर भी थोड़ा बहुत एंजॉय करेंगे बोलते अलग फजल से। चलिए शुरू करते हैं आज के इस ब्लॉग को। बहुत ही शानदार तरीके से शिरसागर फैमिली की तरफ से जो है जो खेत में लक्ष्मी होती है उनकी पूजन के साथ जो है इस कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही है। खेतों में कोई भी जब कार्यक्रम होता है वो छोटा रहने दो बड़ा रहने दो, तो हर कार्यक्रम के वक्त जो है जो खेत की जो लक्ष्मी होती है उनका जो है पूजा वगैरह की जाती है, उनको नैवेद्य चढ़ाया जाता है, उनके सामने जो है श्रीफल वगैरह रखा जाता है, हल्दी कुंकू जो है लगाया जाता है, जिससे जो है इस पूरे कार्यक्रम को जो है एक शुभ वाइब जो है मिलती है। कार्यक्रम को जो भी नज़र जो लगी ली होती है वो निकल जाती है और बहुत ही अच्छी तरीके से जो है कार्यक्रम होता है करके बोलते। तो उसी खूबसूरत परंपरा को जो है यहाँ पर पूरा किया जा रहा क्षीरसागर फैमिली के द्वारा, जहाँ पर उनके लड़के साहब यहाँ पर श्रेयस भाई मौजूद हैं और उसके साथ साथ भाभी जी भी मौजूद हैं और उनके बच्चे भी यहाँ पर आए हुए हैं इस पूरे बेहतरीन पूजा के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। आप लोग देख सकते हैं बहुत ही शानदार तरीके से जो है आज का ये कार्यक्रम होने वाला है इंशाल्लाह। आज जो है बहुत ज़्यादा जो है पब्लिक इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आने वाली है, तो फिर चलिए देखते हैं क्या होता है। बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगी हुई है इस पूरे कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए, इस पूरे कार्यक्रम को जो है तैयार करने के लिए, सभी लोगों को कन्विंस करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। तो फिर चलिए देखते हैं आगे क्या होता है इस पूरे कार्यक्रम में। चलो भाई लोग, बहुत ही शानदार तरीके से अभी अपन जो है मेघ संजीव फार्म हाउस के जो है पूरी तैयारियों को देखेंगे। अभी जो है सबसे पहले हम लक्ष्मी पूजन किया, आप लोगों ने देखा ही बहुत ही शानदार तरीके से क्षीरसागर फैमिली के द्वारा जो है यहाँ पर लक्ष्मी पूजन किया गया। खेत में जब भी कोई भी फेस्टिवल मनाया जाता है, कोई भी कार्यक्रम मनाया जाता है, तो उसके वक्त उसी वक्त जो है बेहतरीन तरीके से जो लक्ष्मी होती है खेत की उनकी जो है पूजा की जाती है बहुत ही शानदार तरीके से। तो वही जो है पूजा यहाँ पर की गई है अपने क्षीरसागर फैमिली के द्वारा, और उसके बाद जो है अभी यहाँ पर बेहतरीन तरीके से पूरी तैयारियाँ समाप्त हो चुकी हैं। स्विमिंग पूल भी जो है तैयार है हम सभी लोगों के लिए, फिर उसके बाद यहाँ पर जो है खाने की जो है तैयारियाँ शुरू हैं, और बाद में जो है हम देख सकते हैं यहाँ पर सामने जो है पूरा मंडप का जो है तैयारी चल रही। अपने प्रेम भाई चाकोते भी जो है आ चुके हैं यहाँ पर, तो पूरा जो है सेट है प्रोग्राम माशाल्लाह। थोड़ी देर में जो है कार्यक्रम शुरू होने वाला है, अभी कार्यक्रम शुरू होने के लिए जो है 2 घंटे का वक्त बाकी है, अभी 1.25 घंटा है, 1.25 घंटा है, तो देखेंगे क्या होता। यहाँ पर रेन डांस है, पूरा तैयारी हुई है रेन डांस की। यहाँ पर जो है सेल्फी पॉइंट है, यहाँ पर बच्चों के लिए जो है खेलने की जगह बनाई गई है, और ये तो पूरा अपना डांस फ्लोर है यहाँ पर, बहुत ही ज़बरदस्त जो है एंजॉयमेंट होने वाला है। तो फिर चलिए देखते हैं क्या होता माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत तैयारी हुई है भाई, बहुत ही खूबसूरत। चलो नमस्ते, सत श्री अकाल आणि अस्सलाम वालेकुम। मी तुमचा मित्र बादशाह रियाज पाटील क्षीरसागर फॅमिलीच्या बिहाफने या ठिकाणी तुम्हा सर्वांचा स्वागत करतो आजच्या या भन्नाट झिंगाट व जबरदस्त अशा रंगपंचमीच्या कार्यक्रमामध्ये। खूपच सुंदररित्या मेघ संजीव फार्म हाऊस सोलापूरमध्ये जे आहे गेल्या वर्षीप्रमाणे यावर्षी सुद्धा जे आहे आपण खूपच सुंदर असे रंगपंचमीचे इव्हेंट साजरे करत आहोत आणि आपल्या भारतीय परंपरेनुसार कोणत्याही कार्यक्रमाची सुरुवात जी आहे देवाला वंदन करून व त्या कार्यक्रमाचे जे
मेन घटक असतात, मूळ घटक असतात, त्यांची पूजा करून केली जाते। तर आजच्या या रंगपंचमी कार्यक्रमाचं सर्वात मेन घटक म्हणजे रंग आहेत। तर त्याच रंगांची पूजा करून, या भव्य दिव्याच्या स्टेजची पूजा करून व त्यासोबतच बाहेर रजिस्टरची पूजा करून जे आहे या ठिकाणी शिरसागर फॅमिलीकडून जे आहे या भव्य दिव्य कार्यक्रमाची सुरुवात केली जात आहे। तर या ठिकाणी शिरसागर मॅडम यांच्या हस्ते जे आहे स्टेजची पूजा केली जाणार आहे। हे आपल्या भारतीय परंपरेचे जे आहे खूप मूळ आहे की आपल्या देशामध्ये कोणताही कार्यक्रम असू दे त्या ठिकाणी जे आहे आपण पूजा अर्चना केल्याशिवाय जे आहे कोणतेही कार्यक्रम सुरू करत नाही। सकाळी सुद्धा जेव्हा आम्ही या ठिकाणी आलो होतो फार्म हाऊसवर, तेव्हा आल्यानंतर जे आहे सर्वप्रथम शेतातली जी लक्ष्मी असते त्यांची जी आहे पूजा करण्यात आलेली होती। तुम्ही कोणत्याही शेतामध्ये जाऊन बघा, त्या ठिकाणी जे आहे शेताची एक लक्ष्मी असते आणि त्या लक्ष्मीची जी आहे पूजा त्या ठिकाणी केली जाते। कोणत्याही कार्यक्रम असू दे, कसलाही कार्यक्रम असू दे, त्या शेतामध्ये त्या ठिकाणी पूजा केली जाते। तर या ठिकाणी सुद्धा त्याचप्रकारे लक्ष्मीजींची पूजा झाली व त्यासोबतच आता रंगांची व या भव्य दिव्याच्या स्टेजची पूजा शिरसागर फॅमिलीच्या द्वारे केली जात आहे। बाळ गोपाळांना कोणत्याही कार्यक्रमाची जे खूप जास्त मजा मस्ती असते, त्यांना खूप जास्त जे उत्सुकता असते कोणताही कार्यक्रम असू दे, सर्वप्रथम जे आहे आपले जे लहान बाळ गोपाळ आहेत, हॅलो, आपले जे लहान बाळ गोपाळ असतात ते जे आहे सर्वप्रथम कोणत्याही कार्यक्रमामध्ये जे आहे सर्वप्रथम जे आहे आपलं उपस्थिती दाखवण्याचा प्रयत्न करतात। तर अजून जे मोठ्या लोकांचं रंगपंचमी सुरू सुद्धा झालेली नाही, बंद चालू का व्हायलंय, अजून लहान मोठ्या लोकांची जे रंगपंचमी सुरू सुद्धा झालेली नाही, परंतु या ठिकाणी जे आहे आपले लहानगे मित्र आपले सर्व बाळ गोपाळ जे आहेत बेबी पूल मध्ये जे आहेत या कार्यक्रमाला एन्जॉय करत आहेत। तर खूपच सुंदररित्या जे आहे हे पूर्ण रंगपंचमी महोत्सव जे आहे मेक संजीव फार्म हाऊस मध्ये होणार आहे आणि आपण बघतच राहाल की थोड्या थोड्या वेळामध्ये जे आहे लोक येत जातील। आत्ताच जे आहे 11:30 हा वेळ झालेला आहे आणि दुपारी 12:00 अगोदर जे आहे एवढी पब्लिक तुम्हाला या ठिकाणी बघायला भेटेल की तुम्ही विश्वास करणार नाही। तर खूपच सुंदररित्या हे कार्यक्रम या ठिकाणी पूर्ण झालेला आहे। मोर्या गणपती बाप्पा मंगलमूर्ती। तर खूपच सुंदररित्या या ठिकाणी या भव्य दिव्य कार्यक्रमाची जी आहे सुरुवात करण्यात येत आहे। खूपच सुंदररित्या या ठिकाणी कार्यक्रमाची सुरुवात झालेली आहे। बघ त्याची वाट लागली, चलो भाई लोग धीरे धीरे करके सभी लोग जो है आ रहे हैं यहाँ पर बेहतरीन तरीके से शामिल होने के लिए इस बेहतरीन पार्टी में, जहाँ पर जो है अपन टैली करने के लिए बैठे हैं, यहाँ पर पासिस वगैरह देने के लिए मैं मैडम वगैरह है, अपने प्रेम भाई ताकोते हैं बड़े लोग, तो फिर चलो देखेंगे किस प्रकार से होता है। अभी अपने को एंजॉय करने नहीं मिलता, अपन जो है दोपहर से एंजॉय करेंगे ये सब होने के बाद, सभी लोग अंदर जाने के बाद, है क्या नहीं। ऑन द स्पॉट मैं बोला था मैडम को बहुत सारे पासिस बुक होंगे, तो उसी प्रकार से हो रहे धीरे धीरे करके, चलिए देखते क्या होता है।